गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 14 मई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हु इज़ द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट 29 times? 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ये फर्स्ट पर्सन है कामी रीता, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेपाल से बिलोंग करते हैं, 29th time माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया इन्होंने। इन्होंने अपना माउंटेन क्लाइंबिंग का जो करियर है 1992 में शुरू किया था। 1994 में पहली बार इन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। ही इज़ पॉपुलरली नोन एज एवरेस्ट मैन। हिज क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर इज़ पसांग धावा, हु हैज़ क्लाइंब्ड एवरेस्ट 27 times। माउंट एवरेस्ट की हम बात करें तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट माउंटेन पीक है, जो कि ग्रेट हिमालयन रीजन ऑफ हिमालयाज में मौजूद है। नेपाल और तिब्बत की बाउंड्री में ये लाई करता है। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमो लुंगमा के नाम से जानते हैं। इट इज़ नोन एज सागर माथा इन नेपाल। 1852 में सर्वेयर ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉर्ज एवरेस्ट, इनके द्वारा एक्यूरेटली मेजर की गई थी इस पीक की हाइट। पहले इसे पीक 15 के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में क्योंकि ये जॉर्ज एवरेस्ट जो है ये इससे जुड़े हुए थे, इसीलिए इसका नाम माउंट एवरेस्ट कर दिया गया इन्हीं के नाम पर 1865 में, इन द ऑनर ऑफ जॉर्ज एवरेस्ट। इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स दोनों के कोलिजन के बाद माउंट एवरेस्ट फॉर्म हुआ था, ये तो हमें पता ही है, 40 से 50 मिलियन ईयर्स एगो। प्रेजेंट हाइट माउंट एवरेस्ट की कितनी है? 8,848.86 meters। ऑन 29 मई 1953 एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के और तेंजिंग नॉर्गे तिब्बत के ये बने थे फर्स्ट क्लाइंबर्स कन्फर्म्ड टू हैव रीच्ड द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द 30th सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024? हॉकी की ये ट्रॉफी जापान के द्वारा जीती गई है, तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी पाकिस्तान को हराकर जापान ने जीती है। मलेशिया में ये टूर्नामेंट हुआ था। सुल्तान अजलान शाह इज़ कंसिडर्ड अ प्रेस्टिजियस हॉकी टूर्नामेंट इन एशिया। इंडिया ने ये हॉकी ट्रॉफी है ये 5 बार जीती है अभी तक, 1985, 1995, 2009 और 2010। 1983 से ये बायनियल टूर्नामेंट के रूप में खेला जा रहा है। ट्रॉफी इज़ नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर सुल्तान ऑफ द स्टेट ऑफ पेराक, मलेशिया। सुल्तान अजलान शाह मलेशिया के एक सुल्तान थे जिनके नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज़ बीन डिसॉल्व्ड रिसेंटली? रिसेंटली कुवैत की पार्लियामेंट जो है ये डिसॉल्व कर दी गई है, और ये डिसॉल्व करने के बाद जितने भी पावर है कंट्री की या नेशनल असेंबली की जो पावर है वो सारी वहाँ के अमीर शेख मिशल अल अहमद अल सभा के पास आ गई है। अभी इलेक्शन हुए थे फरवरी 2024 में ही। और एक ये फैक्ट याद रखिएगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ कुवैत में बैंड हैं, तो जितने भी मेंबर्स थे इसमें 50 मेंबर्स होते हैं, इसमें कतर नहीं आएगा, कुवैत आएगा। कुवैत की पार्लियामेंट में 50 मेंबर्स होते हैं और इन्हें लीड करता है प्राइम मिनिस्टर। इन सभी मेंबर्स को इंडिपेंडेंटली इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं होते हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कुवैत में बैन है, और इन्हीं 50 मेंबर्स से मिलकर ये नेशनल असेंबली बनती है जो अभी डिसॉल्व हो गई है। कुवैत की यहाँ पर बात करते हैं तो अरब की कंट्री है जो कि अरबियन पेनिनसुला में मौजूद है। कुवैत वॉज फाउंडेड बाई अल सबा फैमिली। कुवैत इज़ लार्जली अ डेजर्ट कंट्री विद नो परमानेंट रिवर्स और लेक्स। कुवैत के अमीर हैं शेख मिशल अल अहमद अल जबेर अल सबा। कैपिटल है कुवैत सिटी। करेंसी यहाँ पर कुवैती दिनार इस्तेमाल होती है, और रिसेंटली फर्स्ट एवर हिंदी लैंग्वेज रेडियो ब्रॉडकास्ट ये कुवैत में ही शुरू किया गया था। विच मेडल हैज़ नीरज चोपड़ा वन इन दोहा डायमंड लीग? नीरज चोपड़ा ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है। स्पोर्ट्स क्लब ऑफ कतर के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, दोहा डायमंड लीग को। गोल्ड मेडल इसमें जैकब वडलिश ने जीता है, चेक रिपब्लिक के प्लेयर हैं। नीरज चोपड़ा इसमें सिल्वर मेडल के साथ सेकेंड नंबर पर रहे हैं। इनका बेस्ट थ्रो ऑफ 88.36 meters का रहा है इसमें, और ब्रॉन्ज मेडल जीता गया पीटर्स एंडरसन के द्वारा, ग्रेनेडा से बिलोंग करते हैं। और इंडिया के एक और जेवलिन थ्रोअर हैं किशोर जेना, ये 9th number पर आए हैं 10 athlete लिस्ट में। स्पोर्ट्स रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स को। उसैन बोल्ट एम्बेसडर हैं ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के। युवराज सिंह ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के नेशनल एम्बेसडर हैं। अमूल ऑफिशियल स्पॉन्सर है श्रीलंका मेंस क्रिकेट टीम का फॉर T20 वर्ल्ड कप। बजरंग पूनिया को सस्पेंड कर दिया गया है 30 दिसंबर 2024 तक बाय रेसलिंग अथॉरिटीज़। रियल मैड्रिड ने जीता है ला लीगा टाइटल फॉर 36th time। थॉमस और उबर कप, ये दोनों ही कप जीते हैं चाइना के द्वारा जीते गए हैं। थॉमस कप मेंस का होता है, उबर कप वेमेंस का होता है। सना मीर एम्बेसडर हैं ICC वेमेंस T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर की। रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है चाइनीज़ ग्रैंड प्रिक्स। महाराष्ट्र चैंपियन रहा है मेंस और वेमेंस दोनों ही कैटेगरी में
एट द 56th नेशनल खो खो चैंपियनशिप। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर है नोवाक जोकोविच। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर है एडाना बोनमाती। फिडे कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट डी गुकेश ने जीता। फिडे वुमेन्स कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट तान जोंगी के द्वारा जीता गया। चेस ग्रैंड मास्टर यहाँ पर देखे जाएँ तो भारत के अभी तक 84 ग्रैंड मास्टर हैं भारत के पास। इसमें 78th थे कौस्तव चैटर्जी, 79th एम प्रनेश, 80th हैं विघ्नेश एनआर, 81st थे सयंतन दास, 82nd वोपला प्रणीत, 83rd आदित्य सामंत और 84th ग्रैंड मास्टर हैं वैशाली रमेश बाबू। भारत की तीसरी महिला चेस ग्रैंड मास्टर हैं ये। द प्रपोजल टू मेक होम अ परमानेंट मेंबर हैज़ बीन पास्ड इन द यूनाइटेड नेशंस असेंबली। पैलेस्टीन को परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशंस का बनाने के लिए प्रपोजल पास कर दिया गया है। अरब कंट्रीज़ के द्वारा ये प्रपोजल रखा गया था कि पैलेस्टीन को एक परमानेंट मेंबर बनाया जाए यूएन की जनरल असेंबली में। इंडिया ने भी इसका सपोर्ट किया, ठीक है, 143 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया इन कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया है। 9 कंट्रीज़ थे जिन्होंने अपोज किया था, जिनमें यूएस इसराइल ये शामिल थे। तो लेकिन अब ये क्योंकि 143 कंट्रीज़ ने अप्रूवल दे दिया तो इसके बाद ये प्रपोजल पास हो गया है। यूनाइटेड नेशंस की बात करें 24 अक्टूबर 1945 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 193 मेंबर कंट्रीज इसमें शामिल हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज यूएन की है रशियन, इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक, चाइनीज और स्पेनिश। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस में। ऑब्जेक्टिव है यूएन का टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस। यूएन जनरल असेंबली के 78th सेशन के प्रेजिडेंट हैं डेनिस फ्रांसिस और 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं यूनाइटेड नेशंस के, जिसमें से एक है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली। RBI के द्वारा ED अपॉइंट किए गए हैं आर लक्ष्मीकांत राव, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। RBI चेन्नई में ये बैंकिंग ओम्बुड्समैन के रूप में भी काम कर चुके हैं, अभी इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। RBI की यहाँ पर बात करें तो नेशनल बैंक है भारत का, इट बिलोंग्स टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 1 अप्रैल 1935 में इस्टेब्लिश किया गया था इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये भी RBI के द्वारा RBI एक्ट ऑफ 1934 के तहत गठित की जाती है, जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और 3 मेंबर्स RBI के होते हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट हमने देख लिया, कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया था, गवर्नर है शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। इसरो हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड द PS-4 रॉकेट इंजन, इट इज़ पार्ट ऑफ विच लॉन्च व्हीकल। ये पार्ट है PSLV लॉन्च व्हीकल का। इसरो हैज़ मेड इट इन वन पीस यूजिंग 3D प्रिंटिंग। पहले ये जो इंजन है ये 14 पार्ट्स में हुआ करता था, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी के हेल्प से इसको एक पार्ट में बनाया गया है, PS-4 रॉकेट इंजन इसरो के द्वारा, ठीक है, और इसको सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिया गया। इसरो की बात कर लेते हैं, 15 अगस्त 1969 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। पहले इनको स्पार के रूप में इस्टेब्लिश हुआ था 1962 में, ठीक है, बाद में फिर इसरो के रूप में इसको गठित किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन अभी हैं एस सोमनाथ, पहले चेयरमैन और फाउंडर थे इसके विक्रम साराभाई। और इसरो के ही चंद्रयान 3 मिशन की टीम जो है इसको नासा का स्विगर्ट जूनियर अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट रिवाइज करते हैं। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने लॉन्च किया इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट। पायलट गोपीचंद थोथाकुरा ये पहले इंडियन बने हैं टू ट्रेवल इन टू स्पेस एज अ टूरिस्ट। ये स्पेस में जाएंगे एज पार्ट ऑफ क्रू ऑफ NS-25 मिशन। NS-25 मिशन या फिर न्यू शेफर्ड 25 मिशन ब्लू ऑरिजिन का मिशन है। ब्लू ऑरिजिन स्पेस कंपनी है जेफ बेजोस की, ठीक है। कोरिया का आर्टिफिशियल सन इसके द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया है फॉर सस्टेनिंग प्लाज्मा एट 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस। माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया VAZA-1 AI मॉडल विच विल ब्रिंग इमेजेस टू लाइफ विद मोशन एंड स्पीच। जैसे हमारी स्टिल इमेजेस होती हैं उनमें लिप सिंकिंग, एक्सप्रेशन, इन सब के जरिए उसे वीडियो में कन्वर्ट किया जा सकता है इस AI मॉडल के जरिए। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है Phi-3 मिनी, अ फ्रीली अवेलेबल लाइट वेट स्मॉल लैंग्वेज AI मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स एंडरसन हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, ही इज अ क्रिकेटर ऑफ विच कंट्री। ये क्रिकेटर हैं इंग्लैंड के, ये अपना लास्ट मैच 10 जुलाई को खेलेंगे वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। और अपने करियर में इन्होंने 700 टेस्ट विकेट्स जो हैं ये भी कंप्लीट कर लिए, अभी ये अब रिटायरमेंट लेने वाले हैं। विच डेट हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एज वर्ल्ड फुटबॉल डे। वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 मई को सेलिब्रेट किया जाएगा यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, यूएन जनरल असेंबली के द्वारा इसको
प्रोक्लेमेशन दे दिया गया है। इस रेजोल्यूशन को यूएन में किसने रखा था, तो लिबिया के यूएन एम्बेसडर हैं ताहिर एल सोनी, इनके द्वारा ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था। फीफा की शुरुआत कब हुई थी, 21 मई 1904 में ये इस्टेब्लिश किया गया था, फाउंडेड इन पेरिस, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, प्रेजिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो। इन विच कंट्री इज मैकगिल यूनिवर्सिटी विच विल अवार्ड डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन एन ऑनररी डॉक्टरेट लोकेटेड। मैकगिल यूनिवर्सिटी कैनेडा में लोकेटेड है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि इसके द्वारा, इस यूनिवर्सिटी के द्वारा दी जाएगी। WHO में सर्व कर चुकी हैं सौम्या स्वामीनाथन, इंक्लूडिंग डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल एंड द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट चीफ साइंटिस्ट थ्रू द COVID-19 पेंडेमिक। तो काफ़ी सारे कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं इनके वर्ल्ड के लिए, जिसकी वजह से इनको ये डॉक्टरेट की उपाधि दी जा रही है। अवार्ड्स और ऑनर्स यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। 2023 ACM AM ट्यूरिंग अवार्ड मैथमेटिशियन एवी विक्टरसन को मिला है। ASI का आर्यभट्ट अवार्ड पवलुरु सुब्बा राव को दिया गया। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज आलोक शुक्ला को मिला है। इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड मीना चरांदा को, KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड रतन टाटा को, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड एक्टर रणदीप हुड्डा को, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड मोहम्मद सलेम को, WOW वर्ल्ड लिटरेचर प्राइज ये कन्नड़ पॉइंट ममता जी सागर को दिया गया है, और वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट 2024 दोहा का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इंडिया विल फॉर्मली डेवलप अ न्यू रिसर्च स्टेशन इन विच कॉन्टिनेंट, यूरोप, अंटार्क्टिका, एशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया, आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।